Rahim. Today our lecture is 37 and that is topic thermal physics 2. हमने सबसे पहले thermal physics 1 को डिस्कस किया था, अब हम thermal physics 2 को डिस्कस करेंगे chapter number 37 में. First of all, first point is system. The state of this system is specified by giving its pressure, volume, temperature, etc. मतलब कि वो कहते हैं कि इस स्टेट के सिस्टम में हम स्पेसिफिक कर देते हैं, हम इस चीज़ को प्रेफर कर देते हैं कि हमारे पास गिविंग जो चीज़ें होंगी वो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा. डेट इज़ कॉल्ड द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स. ये क्या कहलाते हैं? ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहलाते हैं. वेरिएबल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज होता है, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी. डेट्स वाई हम इसको थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहते हैं. ठीक है, द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट. अब दोनों इनके दरमियान जो रिलेशन होता है, ये देखिए ना, ये सारा क्या है, ये बेसिकली रिलेशन है, तो इस चीज़ को हम इक्वेशन ऑफ द स्टेट कह देंगे. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन बनी हुई है, इसको हम इक्वेशन ऑफ द स्टेट्स कह देंगे. ठीक है, सबसे पहले प्रेशर है तो इसकी इक्वल किस इसकी इक्वेशन इक्वल होगी फाइव वी एन टी के. वी इक्वल वॉल्यूम होगा जी पी एन टी के एंड टेम्परेचर एच पी एन वी के इक्वल होगा. फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल होगा एन के जी टी के. ठीक है, एन के जी टी के इक्वल होगा फॉर आइडियल गैस. एन हमारा है नंबर ऑफ मोल्स, टी इज टेम्परेचर इन द डिग्री केल्विन एंड के बी इज बुल्स कॉन्स्टेंट. के बी क्या है हमारे पास? बुल्समैन कॉन्स्टेंट है. ठीक है, बुल्समैन को आपने बड़ा फेमिलियर तरीके से पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस टॉपिक्स में. सेकेंड पॉइंट इज डैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स. हमारा पहला लॉ थर्मोडायनमिक्स का क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज की शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से ये बेसिक साइंसेस की हीट्स चैप्टर्स को डिस्कस करने के लिए, थर्मल फिजिक्स को डिस्कस करने के लिए लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडी ऑफ हीट एंड हाउ इट फ्लो. स्टडी ऑफ हीट, हीट की स्टडी और उसके फ्लो, उसका जो बहाव है उसकी स्टडी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. हीट की स्टडी को और हाउ फ्लो करती है किस तरह, इसकी स्टडी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. सो डेल ई इक्वल एनर्जी जो है डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू की इक्वल होगी और ई इक्वल होगी इंटरनल एनर्जी की. यहाँ पे क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर है और डब्ल्यू जो है वर्क डन इन सिस्टम है, जो वर्क हम सिस्टम पे करते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री है पाथ वेरिएबल्स. वर्क एंड हीट कॉल्ड पाथ वेरिएबल्स. वर्क और हीट जो है हमारा, वर्क और हीट क्या कहलाता है? पाथ वेरिएबल, यानी ये रास्ता देते हैं वेरिएबल्स को, इसलिए इसको पाथ वेरिएबल्स कहते हैं. देयर वैल्यू डिपेंड अपॉन द स्टॉप स्टेप लीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. इनके वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं स्टेट्स पे जो हमारी एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है. ऑलराइट, स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू डी ई चेंज इक्वल ई टी माइनस ई वन. इसका मतलब ही ये होता है कि हमने इसको चेंज करना है डेरिवेटिव को. ठीक है, तो ये चेंज ई टू माइनस ई वन चेंज इन एनर्जी हो जाएगा. पॉइंट नंबर फोर है लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस. गैस को मजीद फैलाकर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? वर्क डन. सो वर्क डन इक्वल होगा एफ डी एक्स के. एफ हमारे पास पी क्रॉस ए के इक्वल होगा. पी कौन सा है? जो एक्सटर्नल लग रहा है मल्टीप्लाई ए एरिया के. सो डी डब्ल्यू इक्वल होगा एफ डी एक्स के. तो ये वैल्यूज एफ की पुट कर देंगे माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी एक्स की. ठीक है, ये डी एक्स अगेन आ जाएगा और इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. उसके बाद पी माइनस एक्सटर्नल, ये ए और डी एक्स इक्वल होता है, ए डी एक्स इक्वल होता है डी वी के. तो ये पुट कर देंगे. सो वर्क हमारे पास माइनस वी वन टू वी टू पी एक्सटर्नल डी वी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आप डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है कंप्रेस्ड आइडियल गैस इसमें पड़ी हुई है जो कि इंटरनल में जा रही है, ये इंटरनल गैस है. और यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल हमारे पास प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ये इंटरनल प्रेशर अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है जिसके ज़रिए जो है एंटर होती है. सो ये डेट इज़ द क्लोज्ड सिस्टम, ये हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है. पॉइंट नंबर ए में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज़ीरो होगा, वर्क भी ज़ीरो होगा इस केस में.
सेकंड केस ये देखें, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे वैक्यूम लगा हुआ है, यहाँ से ये गैस वैक्यूम इस सेंटर वाले पोर्शन के ज़रिए पास करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज वर्क इक्वल होगा प्रेशर एक्सटर्नल मल्टीप्लाई वॉल्यूम टू माइनस वॉल्यूम वन, W इज इक्वल है वर्क इज इक्वल है पी ए प्रेशर एक्सटर्नल डेल वी के, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे हमारा वर्क वॉल्यूम है, तो यहाँ पे तो हमारा V वॉल्यूम होगा ना इस जगह पे, लेकिन ये चेंज हो रहा है वॉल्यूम, तो डेल V हो जाएगा। सो वर्क इक्वल होगा P प्रेशर डेल V, ये V के, ठीक है। और यहाँ पे P नॉट प्रेशर नॉट और वॉल्यूम नॉट होगा, यहाँ पे कोई वर्किंग कुछ भी नहीं हो रहा होगा, डेट्स वाई P नॉट और V नॉट आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर C पे आते हैं, जो कि डी डब्ल्यू वर्क डन इक्वल है माइनस पी प्रेशर एक्सटर्नल डी वी के, और पी वी हमारे पास होगा एन के बी बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट टेम्परेचर के। सो वर्क इक्वल होगा माइनस वी वन टू वी टू एन के बी टी ओवर वी डी वी आ जाएगा, माइनस एन के बी टी सेपरेट कर लेंगे कांस्टेंट को, सो वॉल्यूम टू माइनस वॉल्यूम वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉग है, सो वी टू माइनस बाय वी वन लगा देंगे, और हमारा ये फाइनल वर्क का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। पॉइंट नंबर फाइव है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन ओनली ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कहते हैं इंटरनल एनर्जी, अंदर वाली एनर्जी जो होती है, कोई भी क्लोज सिस्टम है, कोई भी कंटेनर है, वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूल्स पे, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी हरकत कर रहे हैं, कितनी मूवमेंट कर रहे हैं। इट कंटेन ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। सो हमारा एनर्जी इक्वल होती है 3/2 nkBT के। सो फाइनल एनर्जी इक्वल होगी इनिशियल एनर्जी के। फाइनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इनिशियल के, ये आई इनिशियल को और ये एफ फाइनल को डिनोट करेगा। पॉइंट नंबर सिक्स है चेंज इन क्यू वी वॉल्यूम का जो हीट है इक्वल टू सी वी डेल टी के। सी वी इज़ द हीट सप्लाई, जो हीट हम सप्लाई करते हैं डेल डब्ल्यू इक्वल ज़ीरो के, डेल क्यू वी इक्वल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल ई ले लिया सबसे पहले, तो डेल ई हमारे पास सी वी डेल टी के इक्वल होता है, इसलिए हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी इक्वल है सी वी डेल टी के। उसके बाद पॉइंट नंबर सेवन पे आते हैं, डेट इज डेल क्यू पी, यहाँ पे वी लिया था, यहाँ पे प्रेशर पी ले लेंगे, इक्वल टू सी पी डेल टी। डेल क्यू पी प्रेशर हीट इक्वल टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू की इक्वल होगा, डेल ई प्लस पी डेल वी आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करनी है। सो सी पी डेल टी इक्वल डेल यू प्लस पी डेल वी के इक्वल होगा। सी पी डी टी जो है हमारे पास है वो चेंज इन यू प्लस पी डी वी, इसके चेंज क्या आ जाएगा। सो सी पी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी आ जाएगा, और पी वी हमारे पास हमें पता है आइडियल गैस का पी वी इक्वल होता है एन के बी टी के। सो पी डी वी इक्वल होगा एन के पी, इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे डी टी। सी पी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस एन के बी डी टी के। ई हमारे पास 3/2 nkBT आ जाएगा। सो सी वी इक्वल टू यू बाई डी टी, जो कि 3/2 nkBT के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आगे फर्दर देखते हैं, हमारे पास सी बी इज इक्वल होगा 3/2 nkBT प्लस एन के बी, 2 nkBT आ गया हमारे पास, इक्वल टू 5/2 nkBT, ठीक है। सी पी इज इक्वल होता है सी वी प्लस एन के बी के, एन के बी सेपरेट कर लेंगे, बटे में सी वी आ जाएगा, तो हमारा सी पी माइनस सी वी बाय बी आ जाएगा, मतलब डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसके इक्वल होता है इस एक्सप्रेशन का, तो सी पी बाय सी वी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट नंबर एट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर एट में कहता है डी क्यू बराबर होता है डी ई प्लस डी डब्ल्यू, जो कि इक्वल होता है जीरो के। सो इसकी जगह पे सी वी डी टी पुट कर देंगे, प्लस में क्या पुट कर देंगे पी डी वी, जो कि इक्वल है जीरो के इन एक्सप्रेशन की जगह, ठीक है। डी डब्ल्यू किसके गए, पी डी वी के। सी वी डी टी प्लस इसकी जगह पे अब एन के बी टी, एन के बी टी वी के बी टी डी वी डी डी वी बाई वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो डी टी बाई टी प्लस एन के बी सी वी डॉट डी वी बाई वी इक्वल टू जीरो, डी टी बाई टी वैसे ही लगा देंगे, प्लस ये आपको पता है एक्सप्रेशन पीछे निकाल चुके हैं हम, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस वन आ जाएगा, लेमडा डी वी बाई वी इक्वल टू जीरो एक्सप्रेशन, एंड ये इसका क्या आ जाएगा लॉग टी प्लस
आर माइनस लेमडा माइनस वन आई वी के, ठीक है, इक्वल कॉन्स्टेंट क्यों हो जाएगा, तो ये इसको क्या कर लेंगे हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, सो डी वी टी वी आर माइनस वन इक्वल कॉन्स्टेंट, ये फाइनल हमारा एक्सप्रेशन पॉइंट नंबर 8 का आ गया। उसके बाद हम 9 पॉइंट है जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, देयर कैन बी नो प्रेशर हुज ओनली फाइनल रिजल्ट इज ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम कलर। अब वो कहता है कि सेकेंड लॉ ऐसा लॉ है जिसमें कोई भी प्रोसेस जो है देयर कैन बी नो प्रोसेस, सॉरी इसको मैं प्रेशर पढ़ी थी, देयर कैन बी नो प्रोसेस, यहाँ कोई प्रोसेस नहीं होता उस जिसमें ओनली फाइनल रिजल्ट इज ट्रांसफर, जिसमें आखिरी जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो ट्रांसफर हो जाए थर्मल एनर्जी की फॉर्म में फ्रॉम कलर्स, कलर्स के जरिए। ऑब्जेक्ट वाटर ऑब्जेक्ट वाटर ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है जो कि सेकंड लॉ भी है थर्मोडायनामिक्स का, यू विल ट्रांसफर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो कहता है कि आप छोटी सी अमाउंट हीट की जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि थर्मोडायनामिक्स में पड़ी हुई है, बट लेकिन बिकॉज योर बॉडी इज सो बिग, क्योंकि आपका जिस्म बहुत बड़ा है, दिस विल मेक नो मेयरेबल डिफरेंस, इसी वजह से ये कोई भी मेयरेबल वैसा डिफरेंस जिसको हम मेयर नहीं कर सकते वो नहीं बना सकता टू योर बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, ये नहीं कहता आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आप इसको मेयर नहीं कर सकते, आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ज़रिए आप जो है इसको मेयर कर लो, इसको पेमाइश कर लो। टॉपिक इन पॉइंट इज 11, इंजन वर्क बिटवीन अ हाई टेम्परेचर टी एच टू लोअर टेम्परेचर टी सी, यहाँ पे हीट इंटरनल हीट जो है वो हॉट रिजर्वायर एंड रिजेक्ट द आउटर लोअर जो टेम्परेचर है उस पे है, ठीक है। डेल यू बराबर होगा जीरो के और क्यू हीट जो है वो डेल यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल डब्ल्यू के इक्वल, ठीक है। सो वर्क बराबर होगा हीट इंटरनल हीट जो कि हाई टेम्परेचर से है और आउटर हीट जो कि लोअर टेम्परेचर से है, माइनस हो जाएगा। सो वर्क डन बाय इंजन बाय हीट पुट वर्क ओवर हीट और कौन सी हाई की, हाई टेम्परेचर की। सो इंटरनल हीट जो हायर की है टू आउटर जो लोअर की है, बटे में क्या आ जाएगा हायर, वन माइनस इसके लिए वन माइनस आउटर हीट और साथ क्या है लोअर हीट ओवर हायर हीट। सो हमारे पास कटिंग होके वन माइनस टी सी बाय वो टी वन आ जाएगा प्लस में, ठीक है। सो हमारे पास वन माइनस इसकी वैल्यू पुट करेंगे वन टी सी की 30 प्लस 273 300 में ऐड करेंगे 273 तो इक्वल आ जाएगा 0.471 के हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन वर्क इज डन टू पंप हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर एक्सटीरियर, वर्क जो है हम वो लगाते हैं पंप के ऊपर हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट एक्सटीरियर। अब हम ठंडी जगह से ठंडे रिजर्वायर से गर्म जो है एक्सटीरियर उसकी तरफ पंप करने के लिए भेजने के लिए हीट को इसको यूज़ करते हैं। सेकंड लॉ कैन इम्पॉसिबल, जो दूसरा लॉ है वो बिल्कुल इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो ख़त्म कर देता है अपनी सारी वर्किंग को, वो इम्पॉसिबल है टू रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर पे अमल करने के लिए प्रोड्यूस अमल करने के लिए प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट, वो कोई भी दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। अगेन रिपीट कर देती हूँ, वर्क इज डन टू पंप, वर्क लगाया जाता है हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर एक्सटीरियर, कोल्ड से हॉट की तरफ भेजने के लिए। सो सेकंड लॉ इम्पॉसिबल, सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होता रेफ्रिजरेटर पे, प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट, वो कोई दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। डेट इज़ द लेक्चर नंबर 37, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तक तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और ये चीज़ें जो मैंने आपको आज समझाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फिज़िक्स थर्मल फिज़िक्स सेकेंड है, फेज़
थर्मल फिजिक्स फर्स्ट फेज मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, सो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करें, इसको इसको लिख के रखें। इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स एंड सेकेंड थर्मोडाइनमिक्स लॉ पे जो है फोकस करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।